तो दोस्तों चैट जीपीटी क्या है और कैसे इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या है। तो दोस्तों चैट जीपीटी दोस्तों एक ऐसा एआई टूल है जिसकी मदद से दोस्तों आप 1,500, 2,000 जितना वर्ड चाहो उतना आपको चैट जीपीटी जनरेट करके देगा। तो दोस्तों जब अपने क्रोम ब्राउजर या गूगल में सर्च करते हैं, तो दोस्तों जब अपने हिंदी स्टोरी लिखकर सर्च करते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें एड आते हैं, काफी सारा सही चीज अपने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी एक ऐसा वेबसाइट है, एआई टूल है, जिसमें आप जो चीज लिखोगे आपको वही यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे हिंदी कहानी लिखा है, मोटिवेशनल हिंदी कहानी लिखा है, तो दोस्तों इसी प्रकार से पूरा आपको मोटिवेशनल हिंदी कहानी मिलेगा। दोस्तों जितना वर्ड चाहिए आपको 500, 1,000, 2,000, 3,000 जितना वर्ड चाहिए उतना आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चैट जीपीटी आपको जनरेट करके देगा। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से सिर्फ आपको कॉपी करना है और आप जहाँ भी आप एडिट करना चाहो, जिस प्रकार से स्टोरी बनाते हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो। अगर दोस्तों आप कहीं वॉइस जनरेट कर रहे हो तो यहाँ से आपको सीधा कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना। तो दोस्तों चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो। तो दोस्तों काफी सारे नए लोग भी है यूट्यूब पे जिनको मालूम नहीं रहता, जिनको पता रहता है वो तो क्रोम ब्राउजर में गया, चैट जीपीटी सर्च किया और वहाँ पे जो भी चीज चाहिए वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नए यूट्यूबर होते हैं, नए लोग आते हैं उनको पता नहीं रहता है किस प्रकार से क्या करना है। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है वहां पे आप खोजते रहते हैं पूरा दिन में, सर्च करते रहते हैं लेकिन सही चीज आपको नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों आप चैट जीपीटी दोस्तों आपको मैं बता दूं, लिंक भी आपको दोस्तों इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा अगर आप नहीं सर्च कर पाते। चैट जीपीटी में दोस्तों आपको इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों चैट जीपीटी आपको कैसे यूज करना है दोस्तों आपको पूरा इस वीडियो में बताऊं। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चैट जीपीटी के लिए दोस्तों एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन में चैट जीपीटी दोस्तों आप लिख के सर्च करोगे तो दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर या गूगल में भी आप चैट जीपीटी लिख के सर्च करोगे तो दोस्तों मैं आपको गूगल में प्रोसेसिंग बताऊंगा किस प्रकार से काम करता है। अगर दोस्तों आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करने ना आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन, और दोस्तों ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपने सर्च करते हैं, चैट जीपीटी लिख के सर्च करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट वाला वेबसाइट है ओपन एआई चैट जीपीटी, दोस्तों इस पे आपको टैप कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप टैप करोगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है स्टार्ट नाउ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, जिस प्रकार से आप किसी भी चीज का मतलब अपने को चाहिए कि हिंदी स्टोरी चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हो मैसेज चैट जीपीटी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैसेज करना है चैट जीपीटी पे, तो जिस प्रकार से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी, 500 वर्ड अपने लिख देते हैं यहाँ पे, 500 वर्ड यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी 500 वर्ड लिख के आपको सीधा यहाँ पे टेप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में आपको जनरेट करके, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आपको यहाँ पे इंग्लिश लिख। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चैट जीपीटी ऑटोमेटिक यहाँ पे जो मोटिवेशन अपना स्टोरी है यहाँ पे टाइप कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर 500 वर्ड होते हैं, अपने आप यहाँ पे रुक जाएगा, आपको दोस्तों यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है। अगर दोस्तों आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में काफी सारे सर्च करोगे तो वहीं पर आपको मिलेगा, लेकिन अलग अलग वेबसाइट खुलता रहता है, कभी सही चीज आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों चैट जीपीटी पे आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप लॉग इन भी कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप लॉग इन भी कर सकते हो आईडी से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो दोस्तों देख सकते हो अपना पूरा यहाँ पे स्टोरी था, यहाँ पे 500 वर्ड का लिखा गया है। आपको दोस्तों यहाँ से क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे कॉपी का आपको दिखाई मिलेगा, यहाँ पे कॉपी कर सकते हो इसको, कॉपी वाले पे टैप करोगे, पूरा यहाँ पे स्टोरी है कॉपी कर गया। तो दोस्तों पूरा जो स्टोरी है यहाँ से कॉपी हो गया। अगर आपको दोस्तों पूरा कॉपी नहीं करना है तो आप इस प्रकार से टैप करके जितना आपको वर्ड चाहिए उतना आप कॉपी कर सकते हो इस प्रकार से। तो दोस्तों अपने को मान लो इतना वर्ड चाहिए तो इतना आपने कॉपी कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको काफी सारी यहाँ पे चीजें मिल जाएगी, हिंदी स्टोरी हो गया, कार्टून हिंदी स्टोरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब चैट जीपीटी में आपको बहुत ही आसान तरीके से और सब कुछ चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से यूट्यूब पे ऑलरेडी काम करे उनको तो पता ही रहता है कि चैट जीपीटी क्या है, किस प्रकार से क्या करना है। लेकिन दोस्तों जो नए लोग आते हैं, नए फ्रेंड रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, हिंदी कहानी खोजने में बहुत टाइम लग जाता है, गूगल में सर्च करते हैं, कहीं कहाँ पे सर्च करते हैं, मेरे पास कमेंट भी आता रहता है, मैसेज भी आता रहता है कि सर हिंदी स्टोरी कहाँ पे मिलती नहीं है, बार बार रोज नहीं, जिस प्रकार से हिंदी स्टोरी वाला चैनल है तो उनको रोज हिंदी के लिए कहानियां चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप रोज इस प्रकार से यहाँ पे आप काफी सारी यहाँ से ले सकते हो, आपको जो इच्छा, जो आपको अच्छा लगे कि मेरे को इस प्रकार का कहानी चाहिए, लव वाली, प्यार वाली, बेवफा वाली, सब तरह की आपको यहाँ पे कहानियां जनरेट कर सकते हैं। आपको करना क्या, सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में आप कहीं भी आप इसको एडिट कर सकते हो, मतलब एडिट किया हुआ है। अगर आप कहीं भी एप्लीकेशन में आपको जिस प्रकार से VN एप्लीकेशन है, काइन मास्टर है, किसी भी एप्लीकेशन में आप वीडियो बना रहे हो तो वहां पे आपको सीधा पेस्ट करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ से एक और बता रहा हूँ यहाँ पे।
कि जिस प्रकार से अपने यहाँ पे लिखा है दर्द भरी हिंदी कहानी, 200 वर्ड यहाँ पे लिख दिया, 200 वर्ड दर्द भरी हिंदी कहानी 200 वर्ड लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर अपने टेप कर देते तो दोस्तों जो अपनी कहानी रहेगी हिंदी, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टेप करके देगा दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट करके देगा चैट जीपीटी। तो दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि अपने बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सारी खोजते हैं फिर भी सही चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी भी अपने को आसानी से यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल सकती है। तो दोस्तों चैट जीपीटी भी अपने जो चीज़ चाहे वो यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 200 वर्ड चाहे था 200 वर्ड यहाँ पे टाइप करके दे दिया। अभी दोस्तों देख रहे हो अपने सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो अपने कॉपी कर लिया यहाँ से, जहाँ अपने को एडिट करना है, मान लो अपने को स्टोरी बनाना है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, वॉइस बनाना है तो वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से एक एप्लीकेशन भी बता दिया है, तो दोस्तों इसका चैट जीपीटी का अलग एप्लीकेशन भी है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप क्रोम ब्राउजर में इस प्रकार से सर्च करके आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से आपको टैप करना है और इस प्रकार से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों चैट जीपीटी को इसी प्रकार से यूज किया जाता है, इसी प्रकार से वर्ड है और बहुत सारी चीज़ें, आपने इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहे तो आपको हिंदी में, जो आपको लैंग्वेज में चाहिए वो आपको लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चैट जीपीटी है वो जनरेट करके देगा। तो दोस्तों इतना ही था मैंने बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू, जय हिंद।